हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। वेल मैं संजय नेगी आपके सामने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। आज का जो टॉपिक है हमने क्या करना है, आज का टॉपिक है ना आपके इंग्लिश में क्रांतिकारी इंग्लिश है। आज के जो बिल्कुल क्रांति कराना है, हमने पूरे दुनिया में क्रांति फैलाना है। आज का जो टॉपिक है वो पूरे दुनिया को हिला देगा। कैसे, अब आप सोच रहे कैसे हिला देगा, तो आप वीडियो पे बने रहिए। आप इधर उधर कहाँ देख रहे हो भाई, इधर कहाँ देख रहे हो, इधर उधर आप वीडियो पे बने रहिए ना। वीडियो को देखिए, आप जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनिए और वीडियो पे देखिए आज का टॉपिक क्या है। अब मैं इतना जोर क्यों लगा रहा हूँ इस पे, आप इसमें मैं इतना एम्फसाइज क्यों कर रहा हूँ, ताकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ताकि ये टॉपिक जो है आपको बिल्कुल दिमाग में, आपका दिमाग में सेट हो जाए और आप अपने कॉपी में नोट कर दें। आप कॉपी पेन लेके बैठिए, जब तक आप कॉपी पेन नहीं लोगे ना आपको समझ नहीं आएगा ये सब। अगर आप सुन के वीडियो देख के फॉरवर्ड करके देख लोगे ना, कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेटर ना ही देखो तो अच्छा है। मैं तो ये कहता हूँ कॉपी पेन लेके बैठना। क्यों? क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमने पूरा क्रांति करना है, पूरे दुनिया में फैलाना है। वीडियो को शेयर करना है, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जैसा मर्जी करना है, पर वीडियो को इतना फैला दो कि ये पूरे दुनिया में चला जाए। क्योंकि ये हर बच्चे के पास जाना चाहिए, हर बच्चे के फ़ोन में, आपके हर बच्चे के मोबाइल में आपके पास ये वीडियो ओपन होना चाहिए। क्योंकि आज का जो टॉपिक है आपका लाइफ का सवाल है। आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, वहाँ पर 100% आएगा। राइटिंग कर रहे हैं तो राइटिंग में मिस्टेक होता है। क्यों? इस वजह से मिस्टेक होता है क्योंकि आपको टॉपिक कॉन्सेप्ट छूट जाता है। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज का जो टॉपिक का नाम है वो है काइंड्स ऑफ एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब के टाइप्स करने हैं हमने। मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ एडवर्ब्स के टाइप्स। तो आज हमने एडवर्ब्स के टाइप्स करने हैं। क्या टाइप्स करना ज़रूरी है? अब आप सोच रहे हो कि सर हर जगह टाइप्स, क्या टाइप्स करना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप टाइप्स नहीं करोगे तो आपको समझ कैसे आएगा? अगर मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, आप घर में खाना खा रहे हो, खाना खाते हो ना, सारे खाते हो, सब्जी खाते हो, क्या आप हर साल यानी कि ज़िंदगी भर आलू ही खाते हो क्या? नहीं खाते हो ना। आलू यानी कि वेजिटेबल्स के भी जो है ना टाइप्स होते हैं। आलू खा रहे हो, शिमला मिर्च खा रहे हो, भिंडी खा रहे हो, बैंगन खा रहे हो, कद्दू खा रहे हो, जो मर्जी खा रहे हो, पर सब्जी के भी टाइप्स है ना। वैसे ही इंग्लिश के भी टाइप्स हैं। हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के टाइप्स मिलेंगे आपको। नाउन का भी हमने टाइप्स पढ़ लिया, प्रोनाउन का भी हमने टाइप्स पढ़ लिया, एडजेक्टिव का भी हमने टाइप्स पढ़ लिया, वर्ब का भी हमने टाइप्स पढ़ लिया, और आज बारी है एडवर्ब का। तो इसका भी टाइप्स हमें पढ़ना ही पड़ेगा ना। ये नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्यों पढ़ना पड़ेगा? जैसे देखिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, जैसे मैंने लिखा आई स्पीक फास्ट, ठीक है, आई स्पीक फास्ट, आई विल Go somewhere। अब इसमें आपको बता दिया कि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्या है, एडवर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारा मेन वर्ब है, और ये एडवर्ब है। अब मुद्दा ये है कि ये एडवर्ब दोनों कैसा हो सकता है, कौन सा एडवर्ब है, दोनों एडवर्ब है कैसा है? अगर ये एडवर्ब है तो यहाँ पे भी तो फास्ट होना चाहिए या फिर यहाँ समवेयर होना चाहिए, पर एडवर्ब कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब को कौन सा टाइप्स है, समझ रहे हो ना? मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें एडवर्ब के टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये टाइप्स कौन सा है। अब आप सोच रहे हो कैसा टाइप्स है, नाउन किया था नहीं किया था? तो अगर नहीं किया था ना तो पिछले वीडियो में जाइए, नाउन का टॉपिक देखिए, वहाँ पे हमने नाउन के बारे में पढ़ा था। कि हमने सिर्फ ये तो नहीं किया था ना कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल्स एंड थिंग्स, दैट्स इट। ये हमने किया था, यहीं तक हमने डेफिनेशन पढ़ा था, पर उसके बाद हमने टाइप्स भी तो पढ़ा था। जैसे देखो, जैसे मैंने लिखा राम और दूसरा एग्जांपल लिखा मैंने बॉय, दोनों के दोनों नाउन है, तो क्या ये राम भी नाउन है, ये भी नाउन है? तो मैंने बताया था ना ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है, यानी कि ये प्रॉपर और जो कॉमन है ना ये नाउन के ही टाइप्स हैं। वैसे ही एडवर्ब के भी टाइप्स होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि एडवर्ब के कौन से टाइप्स है, कि वहाँ पे फास्ट आता है तो उसको कौन सा नाम दें, समवेयर आता है तो उसे कौन सा नाम दें। तो ये तभी आएगा जब आप इस वीडियो को देखोगे, और इस वीडियो को देखने के लिए कॉपी पेन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वीडियो जब मर्जी देख रहे हो, चाहे कहीं भी जाके देख रहे हो, कॉपी पेन लेके बैठना है। चाहे वो ट्रैवलिंग कर रहे हो तो पेन और कागज़ लेके बैठो, या फिर वीडियो को सेव कर लो, सेव करके आप घर जाके कॉपी पेन लेके कॉपी में नोट कर सकते हो। समझ लो ना बात को, यानी कि आज का जो वीडियो है ना, आज का जो टॉपिक है वो पूरा क्रांति फैलाना है, पूरे दुनिया में क्रांति फैलाना है, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कॉन्सेप्ट छूट गया तो समझ लो फिर इंग्लिश आपको समझ नहीं आएगा, फिर आगे जाके पछताओगे। मैंने कहा था कि नाउन के बिना प्रोनाउन अधूरा है, प्रोनाउन के बिना आपका एडजेक्टिव अधूरा है, एडजेक्टिव के बिना आर्टिकल अधूरा है, आर्टिकल के बिना वर्ब, वर्ब के बिना एडवर्ब, एडवर्ब के बिना प्रेपोजिशन, इसके बिना कंजंक्शन, देन इंटरजेक्शन। अगर ये सब अगर आपको नहीं आता तो टेंस करने का फ़ायदा क्या है? क्या करोगे टेंस करके बताओ?
अगर आप टेंस कर भी लेते हो तो कैसे करोगे, कैसे यूज करोगे टेंस? बिना पार्टिसिपल के टेंस करना इम्पॉसिबल है, बहुत इम्पॉसिबल है। मान लो स्ट्रक्चर लिखा दिया मैंने, रूल बता दिए, कर लोगे आप, बट आगे जाके ना बुरी तरह फंस जाओगे। फिर जाके आपको दोबारा पार्टिसिपल में जाना पड़ेगा। तो इंग्लिश को सीखना है तो बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना है। अगर बिल्कुल जीरो, अपने जड़ को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आगे जाकर ना आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। लाइफ टाइम का सोचो, आगे जाके आपने ये फ्यूचर तक काम आने वाला है। तो आपका जो जड़ है इतना स्ट्रांग होना चाहिए, कोई काटे ना फिर भी नहीं कटना चाहिए। बिल्कुल पत्थर का बना दो, लोहे का जड़ बना दो आप, बस जो कटे ना टूटे ना कुछ नहीं, एकदम पक्का, समझो ना। तो हम स्टार्ट करते हैं, आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एडवर्ब। पहले से इरेज कर देता हूँ। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एडवर्ब। यहाँ लिख देते हैं, टाइप्स के बारे में लिख सकता हूँ मैं, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। पहली बात हमें बात करते हैं कि एडवर्ब के बारे में मैंने बता दिया था। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब का काम से तारीफ करना होता है। किसका? नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सबका तारीफ करता है ये। अगर मैं आपकी तारीफ करूँ, जैसे लिखा, जैसे मैंने बोला यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, बोल रहा हूँ ना, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। अब मैंने कहा, जैसे मैंने कहा सीमा राइट्स वेरी क्लियरली, सीमा राइट्स वेरी क्लीन, बोलिया। अब सीमा बहुत बहुत सुंदर लिखती है, सीमा सुंदर लिखती है, यानी कि वेरी लगा दी तो बहुत सुंदर लिखती है, तो तारीफ हो रहा ना। सिर्फ क्या है, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सबके तारीफ करता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं, और जो नाउन और प्रोनाउन की तारीफ करता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ये मैंने पहले ही बता दिया था वीडियो में। अगर नहीं पता है ना, जो पहली बार जो वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को जो पहली बार देख रहे हो कोई, तो इससे पहले वाले वीडियो देखना, तभी यह समझ आएगा। नहीं तो आपको लगेगा कि यहाँ पे क्या भाषण चल रहा है, यहाँ पे क्या फालतू की डिस्कस हो रहा है, वो ऐसे ही लगेगा। ज़्यादातर लोग यही समझ के वीडियो को देखना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जीरो से, शुरू से नहीं देखते हैं, वो बीच में आ जाके देखते हैं, बीच में अच्छा ये टॉपिक है, ओके, समझ कुछ नहीं आ रहा है। रीज़न ये है कि आपका बेस खराब है, बेस आपका स्ट्रांग नहीं है तो कहाँ से समझ आएगा। इसीलिए वीडियो देखना है तो बिल्कुल स्टार्टिंग से देखना है। और जो नए, जो अगर जो भी नया लड़का या भी कोई नया लड़की या कोई नया स्टूडेंट मेरी वीडियो को देख रहा है, इस वीडियो को, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाके शुरू से देखिए वीडियो, तब जाके आपको समझ आएगा। अदरवाइज आपके सर के ऊपर से जाएगा, हवा हवा में जाएगा, आप बोलेंगे फालतू इंग्लिश है ये, समझ लो ना, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, यानी कि एडवर्ब्स के कितने टाइप्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले जो टाइप्स होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इधर लिखता हूँ, वो है एडवर्ब ऑफ मैनर, नंबर टू एडवर्ब ऑफ टाइम, नंबर थ्री एडवर्ब ऑफ प्लेस, नंबर फोर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर फिफ्थ एडवर्ब ऑफ डिग्री, एंड नंबर सिक्स इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। यानी कि एडवर्ब्स के पूरे कितने टाइप्स होते हैं? देर आर सिक्स टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। कितने टाइप्स होते हैं? छह टाइप्स के एडवर्ब्स होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या क्या कर देगी ये, क्या मैनर्स है, टाइम है, प्लेस है, फ्रीक्वेंसी, डिग्री है, अभी समझ नहीं आएगा। जब तक मैं नहीं समझाऊंगा आपको समझ नहीं आएगा। मैनर्स क्या होता है कोई समझ नहीं, मैनर क्या है, मैनर्स नहीं, यहाँ पे मैनर है, मैनर्स कुछ और होता है, मैनर कुछ और है, ठीक है ना। मैनर्स होता है कि आपका मैनर्स कैसा है, बात करने का तरीका कैसा है, आप किस तरीके से बात करते हो, उसे मैनर्स कहते हैं। अब यहाँ पे मैनर है, अब यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड इंटरोगेटिव एडवर्ब। यानी कि छः टाइप्स के जो एडवर्ब होते हैं, जब तक आपको ये छः टाइप के एडवर्ब समझ नहीं आएगा तो आपको एडवर्ब का यूज़ करना कभी नहीं आएगा। अब ये सबके सब तारीफ है, ये सबके सब क्या कर रहे हैं, ये तारीफ कर रहे हैं, समझो ना, तारीफ कर रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं मैनर की, बात करते हैं कि मैनर क्या होता है। मैनर का मतलब होता है हाउ, मैनर का मतलब होता है हाउ, कैसे हाउ, कैसे आओ। ये जो मैनर्स होते हैं, एडवर्ब जो होता है ना, ये मैनर्स जो होता है ये क्या करते हैं, आपके आंसर का क्वेश्चन बताता है, ये आपके आंसर का क्वेश्चन बताता है। जैसे मैंने लिखा, जैसे एग्जाम्पल लिखा, मैंने बोला कि जैसे मैंने कहा सीता राइट्स वेल, सीता राइट्स वेल, सीता अच्छी लिखती है, इसका मतलब क्या है,
सीता कैसी लिखती है, सीता अच्छी लिखती है ना, तो वो क्या है मैनर्स। आई स्पीक लाउडली, मैं बहुत ज़ोर से बोलता हूँ, आप कैसे बोलते हो, हाउ, ठीक है, तो मैनर्स हो गया वो। इसी तरह से जो टाइम है, टाइम का मतलब हो गया वैन, वैन का मतलब हो गया कब, वैन का मतलब क्या, टाइम का मतलब क्या हो गया, जैसे टाइम का मतलब हो गया वैन, वैन का मतलब होता है कब। जैसे मैंने कहा आई केम हेयर यस्टरडे, आई केम हेयर यस्टरडे, आई टीच यू यस्टरडे, आई टीच यू टमोरो, आई टीच यू टमोरो, आई एम टीचिंग यू नाउ, आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जो टाइम की बात करते हैं वैन, तो वो हमें कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। इसी तरह से प्लेस, प्लेस का मतलब होता है वेयर, वेयर आप कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो, ठीक है, आप कहाँ खाओगे, वेयर विल यू ईट, आप कहाँ लिखोगे, वेयर विल यू राइट, ठीक है ना, तो वेयर विल यू राइट, ये वेयर विल यू राइट। जैसे मैंने कहा अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसका आंसर क्या बनेगा, जैसे मैंने कहा आई ईट ऑन द बेंच, आई ईट ऑन द बेड, आई ईट ऑन द डाइनिंग टेबल, ठीक है ना, आई मैं कहाँ पे डाइनिंग टेबल पे खाता हूँ। जैसे और एग्जांपल दे, जैसे मैंने कहा आई विल गो समवेयर, आई विल गो समवेयर, तो जो समवेयर आ रहा है, डाइनिंग टेबल आ रहा है, बेंच आ रहा है, चेयर आ रहा है, ये सारे के सारे क्या है, प्लेस हो गया। अब यहाँ पे प्लेस का नाम नहीं आएगा, गलती, अरे ध्यान से सुनो मेरे बातों को, क्या कर रहे हो आप, ये प्लेस का मतलब ये जगह का नाम मत लाना, यहाँ पे दिल्ली चंडीगढ़ शिमला हिमाचल वो नहीं आएगा, यहाँ पे प्लेस बता रहा है कि जैसे मैंने कहा आप कहाँ जाओगे, तो आपने कहा आई विल गो समवेयर, मैं कहीं भी जाऊंगा, तो समवेयर जो आ रहा है वो प्लेस हो गया ना। यहाँ पे जो एग्जैक्ट पर्टिकुलर प्लेस का नाम नहीं आएगा, यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, वो नाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, हाथ जोड़ता हूँ भाई, नाउन पे मत जाना, यहाँ पे एडवर्ब है, कन्फ्यूज नहीं होना है, ध्यान से सुनो कॉन्सेप्ट को, ठीक है। उसी तरह से फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन का मतलब होता है कितने बार। मैंने कहा बच्चा आप कितने बार एब्सेंट रहते हो, हाउ ऑफन, ठीक है ना, हाउ ऑफन, तो यानी कि मैंने कहा ही ऑलवेज एब्सेंट इन द क्लास, ही ऑलवेज एब्सेंट इन द क्लास, यानी कि वो हमेशा क्लास में एब्सेंट रहता है, ही ऑलवेज प्रेजेंट इन द क्लास, वो हमेशा प्रेजेंट होता है क्लास में, तो ये इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसी तरह से है डिग्री, डिग्री का मतलब होता है हाउ, डिग्री का, सॉरी नॉट हाउ, डिग्री का मतलब होता है हाउ मच, हाउ मच मतलब कितना, हाउ मच का मतलब क्या हो गया, डिग्री का मतलब, हाउ मच का मतलब होता है कितना, हाउ मच का मतलब होता है कितना। जैसे मैंने कहा यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग सो इंटेलिजेंट, यू आर लुकिंग वेरी इंटेलिजेंट, यू आई एम वेरी बैड बॉय, तो वेरी जो है ना कितना, तुम कितना बुरा हो, बहुत बुरा हो, बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छे, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत बुद्धिमान हो, तो हाउ मच होता है ना, जो हम बोलते हैं ना वेरी ब्यूटीफुल, वेरी बैड, वेरी गुड, ये सारे के सारे क्या है, डिग्री है, ठीक है। इसी तरह से इंटरोगेट, तो आपको पता है आस्किंग टू क्वेश्चन, आस्किंग टू क्वेश्चन, समझ आ गया बात, अब यानी क्या, अब यहाँ पर कोई कन्फ्यूज नहीं रहा, अब आपके सारे के सारे डाउट क्या होंगे, क्लियर हो गए। कैसे क्लियर हो गया, जैसे मैंने कहा मैनर, मैनर में क्या आएगा हाउ, यानी कि ये आंसर था क्वेश्चन, आपके जो क्वेश्चन का आंसर देता है ये, ठीक है ना, क्वेश्चन का क्या करता है, आपके क्वेश्चन बारे में, जैसे मैंने कहा सीता राइट्स वेरी वेल, सीता राइट्स वेरी वेल, तो ये क्वेश्चन बता रहा है सीता कैसी लिखती है, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर देते हो, सीता राइट्स वेरी वेल, आई राइट वेरी गुड, है यू रीड वेरी वेरी वेल, यू स्पीक वेरी क्लियरली, है ना, तो यानी कि वो रखे आप बोलते कैसे हो, तो मैंने कहा आई स्पीक वेरी क्लियरली, मैं साफ बोलता हूँ, तो वेरी क्लियरली जो आ रहा है यहाँ पे वो मैनर्स होगा, ठीक है। इसी तरह से व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन, हाउ मच, आस्किंग टू क्वेश्चन, तो ये सारे के सारे मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके हम टॉपिक को पढ़ेंगे कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं और इसे क्या एग्जाम्पल है, तो वो मैं वीडियो लेके आऊँगा आपका नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस टॉपिक को बार बार देखिए, जब तक समझ नहीं आता तब तक देखिए, और वीडियो को शेयर करते रहिएगा, शेयर पे आपका फिंगर चलते रहना चाहिए, शेयर 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 शेयर, आगे फैला दो, क्रांतिकारी करना है, पूरे दुनिया में फैलाना है इंग्लिश, क्योंकि ये उन बच्चों तक जाना चाहिए जो बच्चे इंटरेस्टिंग है इंग्लिश सीखने के लिए, ठीक है ना, तो ये उन बच्चों तक जाना ही चाहिए। वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं सब सारे जगह आप इसे शेयर कर सकते हो, क्योंकि आज का जो टॉपिक है क्रांतिकारी टॉपिक है, ठीक है। तो इस वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ओके ना। तो वीडियो इंग्लिश सीखना है तो वीडियो को शेयर करते रहिए, आगे तक पहुँचाते रहिए, तब तक इंजॉय कीजिए, ऑल द बेस्ट।